गुजरात में अडानी पोर्ट्स पर जब हजारों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाती है, तब इस देश के जो लिब्रांडूज जो कहे जाते हैं, जो देश विरोधी लोग हैं, बॉलीवुड के लोग हैं, ये मोदी सरकार के ऊपर और अडानी के ऊपर अटैक करने लगते हैं कि देखो इनके बंदरगाह से ड्रग्स पकड़ी गई, गुजरात में ड्रग्स पकड़ी गई, मोदी के गुजरात से ड्रग्स पकड़ी गई। ये इन बेवकूफों को नहीं पता कि ड्रग्स पकड़ी गई है, वहां से निकल नहीं गई, वहां से निकलकर अपने स्थान पर नहीं पहुंची जहां से उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाना था। तो ये अपनी अपनी बुद्धि होती है, इनकी बुद्धि इतनी है कि हर बात में बस मोदी का विरोध कर। एलॉन मस्क अगर करोड़पति बनते हैं, दुनिया के नंबर वन बनते हैं, तो लोगों के लिए खुशी की बात है। बिल गेट्स अमीर बनते हैं तो लोगों के लिए खुशी की बात है। लेकिन अंबानी और अडानी नंबर वन बनते हैं तो इन्हें बुरा लगता है कि भाई देश का सारा पैसा यही खा रहे हैं। ये नहीं सोचते कि आज इन्हीं की बदौलत तुम फ्री में बात कर रहे हो मोबाइल के थ्रू, वरना इंटरनेट की सुविधा क्या थी, कितने महंगे थे, सब कुछ तुम्हें पता ही है। टेलकॉम पाउडर के नाम पर कबीर तलवार नाम के एक बिजनेसमैन जो कि फोर्ब्स लिस्ट में होने का दावा करते हैं, बहुत अरबपति इंसान है, इन्होंने अफगानिस्तान से हजारों करोड़ की ड्रग्स मंगवाई थी। अब आप सोचिए कि ये ड्रग्स यहां पर आती तो कहां कहां पर बेची जाती। इनके दिल्ली और दुबई में होटल है, दिल्ली में प्ले बॉय नाम से इनका एक नाइट क्लब भी चलता है। अब नाइट क्लब में क्या होता होगा ये बताने की और समझाने की जरूरत नहीं है। अब आप इनके लिंक सुनिए, बॉलीवुड से लेकर पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री तक इनकी अच्छी पकड़ है। शाहरुख खान के साथ इसकी तस्वीर है, अक्षय कुमार के साथ इसकी तस्वीर है, हार्डी संधू, सिद्धू मूसेवाला, ऐसे न जाने कितने ही कलाकारों के साथ इसकी तस्वीरें हैं। अब आप सोचिए कि जब ये ड्रग्स यहां पर आती तो इस देश के गरीबों को तो डोनेट किया नहीं जाता कि चलो भाई एक एक किलो ड्रग्स गरीबों में बांट दिया जाए तो उनका भला हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि गरीबों का भला करने के लिए इन ड्रग्स को मंगवाया गया है। ड्रग्स मंगवाया गया है हजारों करोड़ का तो वो अमीरों को बेचने के लिए, ताकि अमीर नशा करे और इनका बिजनेस बढ़े और ये बिजनेस बढ़ता रहे। अमीर कौन है? जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने के लोग हैं, बिगड़े हुए बाप की बिगड़ी औलादें हैं, बॉलीवुड के लोग हैं, सिंगर्स हैं, नेपो किड्स हैं, ये लोग हैं, इनके लिए मंगवाई जाती है। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य ऐसा है कि जब इन सभी लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाती है जो ड्रग्स लेते हैं, जो ड्रग्स जैसे मामलों से जुड़े हैं, तो लोग सरकारों के खिलाफ ही मोर्चा खोल देते हैं कि सरकार गलत कर रही है, कैसे मेरा सेलिब्रिटी गलत काम कर सकता है, कैसे वो अमीर इंसान गलत काम कर सकता है। कल को यही लोग जब ड्रग्स के नशे में, शराब के नशे में किसी को ठोक देते हैं और जान चली जाती है, उसके बाद भी ये सरकारों को ही दोष देते हैं कि सरकार ने कोई नियम ही नहीं बनाया, शराबियों के खिलाफ नियम नहीं बनाया, नशेड़ियों के खिलाफ नियम नहीं बनाया। तो ये ऐसे लोग हैं जो बिन पेंदी के लूटे हैं, जो डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं, जिनकी ना कोई औकात है ना कोई पहचान है। ये गलत और सही हर वक्त बस सरकारों को ही कोसने का काम करते हैं। अब ये जो कबीर तलवार नाम का शख्स पकड़ा गया है, इसके बाद बॉलीवुड से कितने लोग के नाम सामने आएंगे ये अभी कुछ दिनों में पता चल जाएगा। यानी एक बार फिर से बॉलीवुड के ऊपर ड्रग्स का जो ये साया है मंडराने लगा है।